नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनक ठक्कर। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। चैनल विशेष संवाददाता मध्य प्रदेश इस समय देवास में हूं, जहां पर मेरे साथ जिला पंचायत सीईओ श्रीमती शीतला पटेल मैडम जी हैं। आइए विशेष चर्चा करते हैं। मैडम, पहले तो दबंग न्यूज चैनल की तरफ से आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैडम, ये जो वर्तमान की स्थिति में आप सीईओ के रूप में आपकी जिम्मेदारी है लगा रहे हैं, तो कोरोना तो ये सत्य है कि विभिन्न प्रकार के प्रयास जो है सभी के द्वारा इसमें किए गए हैं और इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। शासन द्वारा भी बहुत मेहनत इसमें की गई है, प्रशासन द्वारा भी बहुत मेहनत की गई है और अभी जो है वैक्सीन पर भी कार्य लगातार चल रहा है, जिसके लिए ड्राई रन भी इनका रन किए जा रहे हैं। तो आशा है कि आने वाले समय में जो है इसके प्रभाव कम हो पाएंगे, पर तब तक ये जरूरी है कि हमें मास्क और 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन की प्रैक्टिस को पालन करना चाहिए। मैडम जी, जैसे कि जिला पंचायत सीईओ की आपने जिम्मेदारी ली है, तो आपने कुछ वर्तमान में आपने कुछ कार्य किए भी अच्छे हैं, तो और भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप प्राथमिकता में लेना चाह रहे हैं? अभी तो मेन फोकस हम लोगों ने अपना जल समर्थन और कनेक्टिविटी पे बनाए हुए हैं, क्योंकि शासन की भी मंशा है और हम देख भी रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पानी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं ग्रामीण एरिया में। तो फार्म पॉन्ड तालाब वगैरह के कार्यों में हमने फोकस बनाया। अभी देवास जिले में लगभग 1,000 से 1,500 के ऊपर फार्म पॉन्ड पर हम कार्य भी कर रहे हैं, ये मेन फोकस है। उसके अलावा कनेक्टिविटी भी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर सड़कों के माध्यम से जो मंजरे टुकड़े टूटे हुए हैं या जहाँ भी अप्रोच की आवश्यकता है वहाँ पर बढ़ाने के लिए हम थोड़ा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ये कार्य फोकस लेते हैं। मैं मनोज माचल दबंग न्यूज चैनल के लिए अपने कैमरा मैन रवि पर्याय के साथ।